दोस्तों तो आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ वीडियो से आप सभी का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि पेपर किस मोड में होना, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कैंटोनमेंट से रिलेट करते हैं, चाहे लखनऊ का हो और या इलाहाबाद का या किसी और छावनी का। ठीक है, तो सबका नोटिफिकेशन सेम ही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके जो पेपर होने वाला है उसमें कई सारे पोस्ट निकले हुए हैं, जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर, फार्मेसिस्ट, ठीक है, असिस्टेंट टीचर, ठीक है, जूनियर क्लर्क, मिडवाइफ और एक्सरे। ठीक है, तो इसमें जो आपका पेपर होने वाला है कुछ पोस्ट का हिंदी में, सॉरी कुछ पोस्ट का केवल इंग्लिश में होगा और कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो अगर आपने फार्म हॉर्टिकल्चर से, सैनिटरी इंस्पेक्टर से और फार्मेसिस्ट से भर रखा है तो ये तो कन्फर्म है कि आपका पेपर केवल इंग्लिश में ही आना। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने असिस्टेंट टीचर का फॉर्म भर रखा है तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आना है। ठीक है, इसका भी मैं आपको नोटिफिकेशन में प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं है। और हाँ, अगर आपने मिडवाइफ से भी रखा है तो इसका भी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। चलिए फिर आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं। यहाँ देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है द क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ करके किसको, असिस्टेंट टीचर और मिड वाइफ यानी फीमेल, ठीक है, विल बी इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब होता है कि असिस्टेंट टीचर और मिड वाइफ को छोड़ करके बाकी सभी का पेपर केवल इंग्लिश में आना है और किसी नहीं। फॉर द एग्जाम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट टीचर एंड मिड वाइफ सम क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड सम क्वेश्चन विल बी इन हिंदी। ठीक है, तो आप सभी का आशा करता हूँ कि आप सभी का डाउट जो है काफ़ी क्लियर हो गया होगा और आपको, आप सभी को पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, वैसे लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर जो है 12 फरवरी को होने वाला है और इसका एडमिट कार्ड 1 फरवरी को रिलीज हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी का डाउट क्लियर होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं दे रखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।